हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स, अगर आप परस्यू कर रहे हैं यूपीएससी तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को। गाइस, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपना एग्जाम पैटर्न समझने में। आपके लिए क्वेश्चंस भी इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से मार्किंग आपके साथ की जाती है आपके एग्जाम के लिए। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एमकॉम नहीं बाकी की सारी चीजें जो आपके यूपीएससी से रिलेटेड हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। और आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एमकॉम कॉमर्स के अंदर आपका मैनेजरियल अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है वो सेम रहता है आपका टोटल 60 आपका टोटल जो एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स आपके 70 रहते हैं, जिसके लिए आपको टाइम 3 आवर्स का दिया जाता है। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में से कोई एक क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में से आपको 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आपके देखिए आपको क्या क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग्स के क्वेश्चंस को आंसर करना था। ऑल्सो एग्जामिन द कंट्रीब्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजर डिसीजंस। तो आपसे यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका 16 मार्क्स के लिए था। आगे अगर बात करी जाए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस कंसर्न। ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए आपको इसमें चॉइस देखने को मिलेगी। टोटल 5 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में से आपको दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपको सुटेबल लगे। यहाँ पर वर्ड लिमिट जो आपको दी हुई है, ये पुराना पेपर है गाइज, प्रीवियस ईयर काफ़ी पुराना एग्जाम पेपर है। तो इसमें वर्ड लिमिट आपको पहले बहुत कम दी जाती थी यूपीआरटीओ में, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये वर्ड लिमिट अब नहीं रहती। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, आपको अपने 16 मार्क के क्वेश्चन में 4 to 5 पेजेस का आंसर लिखना है। 4 to 5 पेजेस ऐसे कि फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को मैं ज्वाइन करके बोल रही हूँ आपको। तो आपको 2.5 पेज में अगर बोला जाए या 5 पेजेस के लिए, तो 2.5 पेज को आपको आंसर लिख देना चाहिए। इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, उसके लिए आप नीचे एक स्पेस छोड़ दी। एग्जाम के ट्रिक्स के लिए मैं आपको जल्दी एक वीडियो दूंगी आपके एग्जाम डेट आते ही, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किस तरह से आपको अपने आंसर्स लिखने चाहिए एग्जाम में और बाकी ट्रिक्स भी। सो गाइस, ये 16 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता दिया, 4 to 5 पेजेस में आपको आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, एक्सप्लेन क्लियरली the principles ratio which may be used in analyzing and interpreting the profitability of a business concern। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपके लिए थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट दी है ऑफ आर ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010 एंड 2011, आपको प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल एंड स्टेटमेंट शोइंग। तो आपको यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज और ईयर वाइज आपको कुछ कैलकुलेट करना हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट से जानते होंगे वो कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे बात करें तो 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो डिफाइन मैनेजरियल कॉस्टिंग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच कैन बी टेकन विद हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, डिस्कस इन ब्रीफ। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कंप्लीट होते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनमें से 3 अटैम्प्ट करने थे। आगे बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जो कि आपका मिड क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और 1 आपको अटैम्प्ट करना होता है। यहाँ पर 1st क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बजटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, आपको बजटिंग के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव के बारे में नोट लिखना था। नेक्स्ट सेक्शन 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन। तो ये दोनों आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 1 अटैम्प्ट करना है और 1 क्वेश्चन के लिए वर्ड लिमिट ये नहीं चलती है, अब चेंज हो चुकी है। तो मैं आपको पेजेस बता देती हूँ, आपको 2 to 3 पेज फ्रंट एंड बैक साइड को ज्वाइन करके मैं बता रही हूँ, मतलब आपको ये आंसर कर देने चाहिए, 1 to 1.5 पेज अगर आप सिंगल पेजेस को कंसर्न करते हैं वो आपके लिए इनफ रहता है। मैं हाफ इसलिए बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है आपके पास टाइम रह गया है और आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप उसमें बाद में और लाइन ऐड कर सकते हैं, आपके पास स्पेस अवेलेबल होगा। कॉपी में किस तरीके से आंसर करना है ये भी मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी विद सैम्पल कॉपी। आगे बात करते हैं सेक्शन सी में, तो यहाँ पर आपका लास्ट सेक्शन रहता है सेक्शन सी, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 6 मार्क्स के आप रहते हैं। 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर पूछा गया था मार्जिन ऑफ सॉफ्ट
सेफ्टी से रिलेटेड एक नोट लिखना था, नेक्स्ट जीरो बेस बजटिंग से लिखना था, और लास्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग। इन तीनों में से आपको कोई दो अटैम्प्ट करने थे। तो गाइस यहाँ पर वर्ड लिमिट दी हुई है, इसको नहीं मानना। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 1 पेज या फिर 1.5 पेज का आप आंसर कर सकते हैं, दैट इज इनफ टू गेट योर मार्क्स। सो गाइस ये था आपका मैनुअल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, इससे रिलेटेड और भी मतलब कॉमर्स के पेपर्स और बाकी जो मुझे अवेलेबल होते रहेंगे मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करती रहूंगी। आपको बस करना क्या, पेशेंस रखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे। और आपकी क्वेरी रहती है मैम इस चीज पे वीडियो, इस चीज पे वीडियो, गाइस आपके डाउट्स रिलेटेड मोस्ट ऑफ द वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है। आप अपना यूट्यूब पर डाउट्स टाइप करने के बाद मेरे चैनल का नेम डाल दीजिए, करिए सिंपली, आपके सामने उस डाउट्स रिलेटेड वीडियो आ जाएगी, चाहे वो आपके एग्जाम की हो, प्रैक्टिकल की हो, मार्क्स की हो, वॉट एवर यू हैव द प्रॉब्लम। तो आपको सिर्फ इतना करना है। ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।